यार हैदर, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं। ओह यह, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट स्टडीज। और मुझे लगता है अब हमें फाइनल की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। यह ब्रो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। अरे क्या यार, अब हर दिन यही तमाशा रहेगा। वो मुझे बोले और मैं उसे। रिलैक्स कर यार, क्यों परेशान यार? और कितना रिलैक्स करूँ, आगे फाइनल एग्जाम आने वाला है। आगे यार, तुझे अभी भी मजाक की पड़ी, मेरी फटी पड़ी है यार। भाई उसे क्यों बोल, क्यों नहीं कहता यार? कैसे बोल दूँ उसे, जब वो सामने आती है ना तो क्लास का टाइम हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन स्कल है। आप सब से गुजारिश है कि आप मेडिकल की शॉप पे जाके वहाँ से ह्यूमन स्कल पर चेक करें। तो मेरी आप सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि मेडिकल की शॉप से ह्यूमन स्कल परचेज करें और उसको डीप स्टडी करें। फाइनल एग्ज़ाम इसी में से होगा। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से आपने प्रिपेयर करके आना है। सो अभी क्लास का टाइम होता है ओवर, तो आप सब ने अच्छे से तैयारी करके आनी है। सो फिर कल मिलते हैं एग्जाम में। यार एग्जाम तो आ गए हैं, क्या करना है अब? कोई परेशान ना हो तो आज ऐसा कर, तो मेरी तरफ आ, बैठ के कुछ सर्च करते हैं इसके बारे में। यार वो खोपड़ी का क्या करना है फिर, कहाँ से परचेज करेंगे? मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। क्या मुसीबत है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कल हेडर की डिफरेंट शेप्स, अजीब टॉपिक है यार। खोपड़ी ले आते हैं, वहाँ से शेप्स वगैरह इजीली समझ आ जाएंगे। सर ने भी उसको परचेज करने का बोला था। साले खोपड़ी कहाँ से लाएंगे, एक 2000 की बात और होती है, यहाँ तो सीधा 10,000 जाएगा। यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, एग्जाम्स बिल्कुल करीब है,
मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू माने तो। क्या? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरा एक जानने वाला रहता है, उसका काम कब्रें खोदना है। तो क्यों ना हम उसे चंद पैसे देकर किसी मुर्दे की खोपड़ी ले आए। सोने कैसी बातें कर रहा है, डरा रहा है यार। देख यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा, सारा काम वो खुद करेगा और हमें एक खोपड़ी मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इन चीज़ों से बहुत डरता हूँ, इतनी रात को कब्रिस्तान जाना। तो ठीक है फिर, कर ले तैयारी खुद ही। क्या करूँ यार, इसके साथ जाऊँ कि ना जाऊँ, एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। अच्छा सुन यार, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। क्या होना है यार, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे तू चल मेरे साथ। अच्छा चल फिर। चल रुको भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे आसिफ बाबू, आप इस टाइम कहीं कोई फौत की तो नहीं? अरे नहीं नहीं कमरदीन, हमारे यहाँ कोई फौत की नहीं हुई, सब खैर खैरियत है, बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था, अब यही खड़े रहेंगे क्या? नहीं नहीं आसिफ बाबू, आप अंदर आए, वैसे भी आज मैं घर पे कल लाऊँ, मेरे बुड्ढी बच्चों के साथ अपने मायके गई हुई। आसिफ बाबू आप बैठो, मैं दरवाज़ा बंद करके। और आसिफ बाबू ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक इंसानी खोपड़ी चाहिए। नहीं नहीं आसिफ बाबू, इन कामों में बड़ा खतरा है, मैं ऐसा काम नहीं करता। देखो मेरी बात को समझो, हमने वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमने उस पर रिसर्च करनी है। ठीक है आसिफ बाबू, मुझे आपकी गल समझ आ रही है, पर उसके लिए आपको और कीमत देनी होगी। दरअसल वो मेरा दोस्त नहीं फीका, जिसके तरह लगे मैं कब्रें पुटता हूँ, वो नहीं मानेगा। ठीक है आसिफ बाबू, लेकिन ये खोपड़ी हम कब्रिस्तान से नहीं निकालेंगे। तो फिर कहाँ से निकालेंगे? आसिफ बाबू मैं एक ऐसी कब्र को जानता हूँ जो सदियों से वीरान और कली पड़ी, उधर किसी का आना जाना, उधर हमारा काम हो जाएगा। तो चले फिर वहाँ। इस टाइम तो और किस टाइम चलें? चलो
यार आसिफ, मैं पहले कभी इन जगहों पे नहीं गया यार। तो साले मैं क्या रोज आता हूँ, चुपचाप चलता जा। कमरदीन है ना हमारे साथ। कमरदीन और कितनी देर है? बस नाल दी गली आसिफ। आसिफ बाबू, ये रही वो जगह। लेकिन इसको तो ताला लगा हुआ है। आसिफ बाबू, आपको आखा तो था कि इतने सदियों से कोई नहीं आया, ताला भन लेते हैं, कोई गल नहीं। आसिफ बाबू तुसी आ पढ़ो। बाहर चत मारो, मैं अपना काम निबेड़ दा। बहुत लग रहा है यार। आहिस्ता बोल, कमर दिन है ना हमारे साथ। अपना काम हो गया।